चलते हैं लाहौर से, जहां वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का टैक्सला में बुजुर्गों खतून को थप्पड़ मारने के वाक़े का सख्त नोटिस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतलक इजलास, जिसमें IG पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की शिरकत। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर मियाँ कबीर अहमद से। जी कबीर, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का टैक्सला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने के वाक़े का सख्त नोटिस। कानून नाफिज करने वाले ही कानून तोड़ेगा तो कानून की कौन इज्जत करेगा। खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगी। अमन व अमान लाजिम है, लेकिन शहरियों की इज्जत इन्हें तोहिन से बचाना भी इतना ही जरूरी है। कानून के एहतराम के साथ इंसान और शहरी का एहतराम यकीनी बनाएं। सब कानून का एहतराम करें। इस्लाहात, जदीद आलात, टेक्नोलॉजी और तरबियत से पुलिस को अवामी खिदमत फोर्स बनाएंगे। खवातीन, बच्चों, अकलीतों पर तशद्दुद रैप हमारी हुकूमत की रेड लाइन है। रिश्वतखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और मेरिट मेरी पॉलिसी है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कानून के मुताबिक FIR का फौरी इंदराज, डिजिटल और IT निज़ाम का इस्तेमाल मजीद बेहतर बनाएंगे। प्रोसिक्यूशन के निज़ाम की खामियां दूर करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अमन अमान के वाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी, दाखिला व दीगर महकमों के अहम अहकाम भी शरीक हुए। बहुत शुक्रिया मियाँ कबीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।